सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन। आज हम एक ही विधि से अनेक दालें बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आधे कप की दाल की क्वांटिटी के मसाले बताएंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा और आधा बड़ा चम्मच घी का। सबसे पहले छौंकन तैयार करेंगे। अब हम दाल का छौंकन तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा साइज का टमाटर और एक हरी मिर्ची। यही विधि से बना हुआ छौंकन हम सारी दालों में काम में लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दाल का छौंकन बनाते हैं। आधा बड़ा चम्मच घी का। घी गरम हो गया, अब गैस सिम कर देंगे और आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और इसमें टमाटर और हरी मिर्ची दोनों ही डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और टमाटर को पकने देंगे। ये टमाटर पक गए हैं, इसमें मसाला डालेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिर्ची तेज खानी है तो एक चम्मच कर लो, बाकी आधी चम्मच सफिशेंट है। ये हमारा छौंकन बनके तैयार हो गया है। अब हम मिक्स दाल बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधे घंटे के लिए दाल भिगो दी थी और इसे धो के साफ कर लिए। कुकर में 2 गिलास पानी डाल दिया है, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें दाल डाल देंगे। ये मिक्स दाल मैंने डाल दी है। मिक्स दाल का बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गैस फुल कर देंगे। आधी चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने के बाद गैस सिम कर देंगे 10 मिनट के लिए। भाप खत्म हो गई, अब चेक कर लेते हैं। ये हमारी मिक्स दाल बन गई है, उसमें हरा धनिया डाल देंगे। और ये छौंकन डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब आधा बड़ा चम्मच घी का डाल देंगे। अब हम मूंग की धुली हुई दाल बनाएंगे। यह आधा कप मूंग की धुली हुई दाल है। इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और धोकर साफ कर लिया है। कुकर में 2 गिलास पानी डाल दिया है, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें दाल डाल देंगे, हल्दी, धनिया और नमक और घी। ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने के बाद गैस सिम कर देंगे 10 मिनट के लिए। भाप खत्म हो गई है, हम चेक कर लेते हैं। दाल बन गई है, इसमें वो छौंकन डाल देंगे। और हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारी मूंग दाल बनके तैयार हो गई है। अब हम अरहर की दाल बनाएंगे। आधा कप अरहर की दाल, इसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दी थी और धो के साफ कर लिए। कुकर में 2 गिलास पानी डाल दिया है और गर्म हो गया है। अब इसमें दाल डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी और धनिया और 1 चम्मच घी। ढक्कन लगा देंगे
और एक सीटी आने के बाद गैस सिम कर देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं दाल खत्म हो गई है। ये हमारी अरहर की दाल बन गई है, इसमें सोकन डाल देंगे। हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। ये अरहर की दाल बनके तैयार हो गई है। ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी होती है, इसलिए से हमने पतला रखा है थोड़ा सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।